अकामः सर्वकामवा मोक्षकामोदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन जजेत पुरुषं परम् अकामः सर्वकामवा मोक्षकामोदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन जजेत पुरुषं परम् गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, आत्मोविद गणों के चरण में, आत्मोविद कोई महापुरुष के चरणों में अगर हमारा सम्यक शरणागति नहीं है गुरु चरण में, वो लोगों के लिए हरि भजन असंभव है। आत्मोविद कोई महापुरुष का चरण में, गुरु चरण में जिन लोगों का भगवत सेवा वृत्ति का कंटिन्यूअस सर्वक्षण भगवत सेवा वृत्ति का जिन लोगों का हृदय में वृत्ति उन्मेष नहीं हो पाए, इन लोगों का संग अपार, इन लोगों का संग अपेक्षिक दृष्टि में बहुत मीठा लगने से भी, लेकिन वो संग हमारा उचित नहीं होगी ये संग करना। महापुरुष का चरण में जब तक अनुक्षण सेवावृत्ति का उन्मेष नहीं हो पाया, ऐसा मापिक आदमियों का साथ हमारा संग बाहरी दृष्टि में बहुत अच्छा लग रहा है, फिर भी उन लोगों का संग करना उचित ही नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी हालत से भगवत चरण में प्रपत्ति शरणागति भगवत तत्व विज्ञान का अनुभूति ये सब हो नहीं पाएगा, संभव नहीं। आत्मोविद साधु का मतलब है, आत्मोविद साधु का मतलब है जो 2400 में 24 घंटा भगवत सेवा में लगे हुए हैं, ये गुरु चरण है, ये आत्मोविद है। बाहरी दुनिया का कोई वस्तु ये लोगों को सेटिस्फेक्शन संतोष नहीं दे सके, अपने आप में संतोष मिलते रहता है, ये लोगों का अपने आप में संतोष मिलते रहते। इस अवस्था अगर कोई बद्ध जीव इन लोगों का चरण में प्रपत्ति स्वीकार करे, उसमें बहुत मंगल होने का चांस है भजन का। काल श्रीमद्भगवद्गीता का ये सब चर्चा हो रहा था, काल 65 नंबर श्लोक का, जिसमें लिखा हुआ है प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरसो उपजायते प्रसन्न चेतस ही आंसु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। पहले वाला श्लोक में बताया राग देश विमुक्त स्तु विषयान इंद्रियेश चरण आत्मवशैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। युक्त वैराग्य का आश्रय के द्वारा जिनका कोई विषय में कोई लगन नहीं है, आकर्षण विकर्षण कुछ नहीं है, ऐसा आदमियों का स्वाभाविक विषय भोग करने का बाद भी, अर्थात प्रसाद लेने का बाद भी कुछ गड़बड़ी नहीं होती, अंदर में हर वक्त प्रशांति शांति बने रहते, आत्म प्रसाद लाभ कर सकता है लोग, क्योंकि प्रभुपाद जी बार बार कहते थे
ये दुनियादारी का चीजों में आकर्षण और विकर्षण का धर्म से हम लोगों को बाहर जाना चाहिए। इसी जगत का आकर्षण विकर्षण का धर्म से हम लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। जब तक आकर्षण विकर्षण में फंसे रहे तब तक सेल्फ रियलाइजेशन आत्मानुभूति बिल्कुल संभव नहीं। इसीलिए बताया जो राग देश से परे है, राग देश विमुक्त स्तु, ये लोगों का लिए विषय को जो सामने आया प्रसाद का रूप से ग्रहण करे, ये लोगों का तमाम इंद्रियों मन अपना बस में है, काबू में है, और ये लोग युक्त वैराग्य आश्रय करके अगर कुछ विषय के शिकार भी करे उसमें हृदय में कोई जलन नहीं पैदा होगी, कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें। इसका मतलब प्रसादम, प्रसाद माने कोई दिल में बिल्कुल बेचैनी नहीं है, कुछ नहीं, प्रशांति भाव, प्रसाद। इसके पहले का श्लोक बताया था धैतो विषयान पुंसंग संगस्ते उपजायते संजात संजायते काम कामात क्रोध अभिजायते इत्यादि श्लोकों का चर्चा किए। एक उदाहरण देने से ये जो विषय है खुलासा हो सकता। कोई व्यक्ति है दिनेश बाबू, विदेश में नौकरी करते थे, तनख्वाह भी अच्छा ही है और आदमी बड़ा खासा है, इनके सच्चिंता सदालाप असत्संग बिल्कुल नहीं है, सद ग्रंथादि पाठ करते रहते हैं। असत्संग नहीं है मतलब ये लोग तो भजन का आदमी नहीं है, मैंने बाहरी दृष्टि में एकदम घटिया संग नहीं है, असत्संग तो होते ही रहते हैं नोइंगली अनोइंगली, जाने अनजाने में। ये तो सिद्ध महात्मा नहीं है ऐसे ही इसका घटना, ये तो ऐसे सात्विक आदमी है, सच्चिंता करते हैं, सदालाप करते हैं, सदग्रंथ आदि पाठ करते हैं और बाहरी दृष्टि में ऐसा कोई खास असत्संग है नहीं। है तो विषयी, रुपया पैसा तो कमाता है, विषयी तो है ही है, भगवत भजन तो नहीं करते, लेकिन विषय का कीड़े नहीं है। जैसे महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोसाई का पिता जेठा का बारे में बताए कि देखो ये लोग विषय विष्ठार क्रीड़ा, क्रीड़ा माने कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े विषय विष्ठा का। जब भी दान दक्षिणा बहुत करते हैं होने से क्या है, ये लोग विषय विष्ठार कीड़ा, ये विषय सुख को विषय के द्वारा जो सुख मिलते रहते हैं इसी को अच्छा मानते हैं। और महाप्रभु जी कभी भी इन लोगों को जब भी जदुनंदन आचार्य का आश्रित है कुछ भी है, लेकिन महाप्रभु कभी भी इन लोगों को वैष्णव बोल के माना नहीं, ये विषयी वैष्णव प्राय। महाप्रभु बताइए वैष्णव प्राय, ये वैष्णव नहीं है, वैष्णव का माफी तिलक मला भी लगाते हैं, सब कुछ करते, विषय का और विषय का जो सुख है इसको अच्छा मानते ज्यादा। तो ये है इधर जो दिनेश बाबू का बात बताया, ये विषय विष्टा का किरे नहीं, विषय तो है ही है। और अपना गांव पे भारत पे, भारत माने वो तो विदेश में नौकरी करता है, अपना गांव पे कुछ जमीन जायदाद था और ये सब जमीन जायदाद तो देखने वाला कोई नहीं था, आजू बाजू का आदमी सारे उन जमी का भोग करते थे और उनका कोई ज्यादा कुछ खास ध्यान नहीं था,
और कोई अगर उनको इन्फॉर्म करे जो आपका जमींदादा ऐसा भोग कर रहा है, तो बोलते थे अरे कौन किसको भोग करता है, चलो ये जमीन हम तो चले जाएंगे तो जमीन तो रहेगा, ऐसा करके सात्विक भाव को प्रमाण करते थे। सभी को ठाकुर जी खिलाते हैं अपना अपना तकदीर के अनुसार। बाद में जब रिटायर्ड हो गया तो पेंशन लेके अपना गांव पे पहुंचा, उसमें इनकम का घाटा हो गया, इनकम तो पहले कम अभी नहीं रहा, थोड़ा बहुत पेंशन मिलते है, सोच में पड़ गया कि कैसे इनकम बढ़ाया जाए, तो थोड़ा तो इनकम कम हो गया। इसमें क्या हुआ, इनकम ज़्यादा करने के लिए विषय का चिंता आ पड़ा, आ गया। और थोड़ा जमीन जायदाद बढ़ाया जाए तो अच्छा है, इसमें सुविधा होगी, आसक्ति आ गया। ऐसा करके अपना जो जमीन दूसरे लोग भोग कराता अन्याय लेने का इच्छा किया, और ऐसा तो सोचा सीधा बात तो नहीं है, जो इतना दिनों से अपना जमीन को भोग कर रहे हैं वो क्या ऐसे छोड़ दे। आए लोगों के साथ बात करने गया कि हमारा जमीन हमको दे दो, वो बोले काहे का जमीन देंगे नहीं, बधा दिया जमीन लेने ही नहीं, अरे हमारा जमीन हमको नहीं दोगे, अरे कौन किसका जमीन इतना दिन देखा कौन, दा बाधा दिया। अपना अधिकार को प्राप्ति करने गया कामात क्रोध अभिजाते, इसका बाद क्रोध आ पड़ा बहुत जोर, वो बोलना शुरू कर दिया अपना जमीन है हमारा और हम बिना खाए रहे आप लोग भोग करते रहोगे, देख लेंगे, बस हो गया। अभी क्रोध के द्वारा मोह आ पड़ा, मोह शुरू हो गया। पहले यही आदमी कहते थे किसका जमीन कौन खाता है महाराज, खाने दो ठाकुर जी का ही तो है, अब हो गया गंडगोल। अब जब केस करने गया, लड़ाई करने गया, सब कुछ हुआ, तो इसका पूर्वापर जो ही लिंक जो है स्मृति विभ्रम हो गया, हो गया। बस होने का बाद बुद्धिनाश हो गया, किसी भी हालत से गुंडा देके क्या करे, पैसा खिला के उसको अपना जमीन को लेना चाहते हैं, बुद्धिनाश हो गया। जो लोग असत काम कभी नहीं किया वो असत काम में जुटे हुए हैं, अभी लग गया सब उसका दोस्त और सब लिख मिल के बुद्धिनाश हो गया, तैसे में लगे। तो ऐसे ही विचार करने दिखना, धैतो विषाण पुंग संग संगस्ते सुपजाय थे संज्ञात काम कामात क्रोध अभिजात इत्यादि श्लोकों का जो भी है। और जब ये बताए भगवान राग देश विमुक्त स्तु विषय इंद्रियरण आत्मवशे विधयात्मा प्रसाद अधिगछति, जिनका तमाम इंद्रिय अपना कंट्रोलिंग में है, बुद्धि स्थिर है, मन अचंचल है, तमाम इंद्रिय अपना वशीभूत है, ये लोग थोड़ा अगर विषय आ गया सामने, विषय में आकर्षण अनुभव नहीं करते, राग देश ये चंचलता का कारण है, चंचल हृदय का कारण ही है, ये है राग देश, ये सब आदमियों को अंदर में चंचलता चंचल भाव को पैदा कर देते। गीता में भगवान आगे चल के बताएंगे ज्ञो ही सो नित्य सन्यासी जो न दृष्टि न कंख थी, ज्ञो ही सो नित्य सन्यासी जो न दृष्टि न कंख थी। भगवान कहते थे ये तो नित्य सन्यासी है, अर्जुन के सामने भगवान
आगे चलकर देखेंगे श्लोक है। अरे जिसका अंदर में कोई देश भाव नहीं है, ज्ञो ही सनित्य सन्यासी जो न दृष्टि न कांक्षती, जिसका अंदर में कोई आकांक्षा नहीं है, चाहत नहीं है, विद्वेष नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो नित्य सन्यासी है। बाहरी दृष्टि में इसका तो सन्यास है नहीं, लाल कपड़ा दंड तो नहीं है, लेकिन ये तो सन्यासी है। महाप्रभु जी ने सन्यास का व्याख्या बताए, अगर अपना जीवन जिंदगी सब कुछ जो है मन तन मन धन सारे भगवत चरण में अर्पित हो जाता तभी इसका सन्यास व्रतों का सक्सेस हो पाता, नहीं तो नहीं। प्रभु कहे सन्यास व्रत करी लो ग्रहण मुकुंद सेवाय है संसार चरण। मुकुंद सेवन का व्रत जो है जो जिंदगी में ग्रहण किए हैं इसी का ही वास्तव सन्यास है। सन्यास एक व्रत है, भाव सन्यास एक व्रत है। ऐसा नहीं कि लाल कपड़ा है तीन दंड ले लिया ये सन्यास हो, ऐसा नहीं। जैसे हमने विष्णुप्रिया ग्रंथों में लिखे विष्णुप्रिया देवी नित्य सन्यासी, राधा रानी नित्य सन्यासी, सन्यास का मतलब क्या है विचार करके देखो। बाहरी दृष्टि में लगता नहीं लेकिन ये है सन्यासी पूरा। अद्वैत गोसाई संसार में रहते हुए नित्य सन्यासी शिवास पंडित, ये तमाम जो विचार है बड़ा सूक्ष्म विचार है इसमें। तो जब आत्मा वशभूत है मतलब किसी का साथ कोई राग देश किसी वस्तु में व्यक्ति में राग देश कुछ नहीं है, मतलब चित्त विक्षेप, अपना चित्तों का विक्षेप कारक कोई चीजें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये लोगों के लिए निर्मल चित्त प्रसाद लाभ करना कोई बड़ा बात नहीं है। पहले का उदाहरण दे दिया कैसे, आ ठाकुर जी जो श्लोक बताए भागवत से भागवत जी महाप्राण से, अकाम हो सर्व काम हो व मोक्ष काम हो, अकाम हो कोई कामना नहीं है अथवा सर्व काम हो बहुत कामना वासना है फिर भी कुछ असुविधा नहीं है, दिक्कत नहीं है। यदि अगर वो सरल बुद्धि वाले हैं, अकाम हो सर्व काम हो वा मोक्ष काम, अगर मोक्ष कामना किया, लेकिन वो जो उदारधी माने इसका अंदर में कोई डुप्लीसिटी नहीं है, क्लीन है उदारधी, ये लोग तीव्रेन भक्ति योगेन जजेत पुरुषम धर्म, ये लोग तीव्र भक्ति योग के द्वारा जजेत पुरुषम परम, परम पुरुष को भजना करे, परम पुरुष को बिल्कुल उपासना करे भजन करे, इसमें सारे समस्या का समाधान हो पाएगा। जिन लोगों का हृदय मन भगवत चरण में आसक्त है ये लोगों का बाय चांस कभी भी गलती से भी इंद्रिय विषय में लग गया थोड़ा बहुत, जो शास्त्र में है कभी भी अगर अचानक लग गया विषय में फिर भी उनका कोई दोष नहीं पकड़ता, क्योंकि भगवान कहते हैं दे दैट हम इनके हृदय में प्रवेश करके धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टो, अगर ये विषय में चला भी गया आगे चल के हम देखेंगे कोई अगर गलती काम कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, भगवान कहते हैं कि अगर ये हमारे ही अनन्य भजन कर रहे हैं तो किसी भी हालत से उल्टा हो गया लेकिन कोई असुविधा नहीं।
इसको भक्त माना जाएगा, क्योंकि इसका इच्छा ही नहीं है। पहले का अभ्यास के अनुसार थोड़ा बहुत गलती हो गया, ये हम हैं, कोई चिंता नहीं इसका। कोई आगे चल के सब श्लोक आएगा। तो जिसका हृदय भगवत चरण में आसक्त है, ये थोड़ा बहुत विषय का टच हो गया, हो भी गया, फिर भी ये लोग विषय से निर्लिप्त रहने का ही इरादा है लोग, कभी भी गलती नहीं करेगा। संसार में रहने से कोई दिक्कत नहीं है, अक्सर आदमी गलती कर देते हैं, अधिकार नहीं हो पाया, चल मठ में चले जाए, या तो त्यागी बन जाए, लाल कपड़ा सन्यास बन जाए, ऐसा कुछ बात नहीं है। हृदय अगर साफा नहीं हुआ, हृदय से वैराग्य पैदा नहीं हुआ, तो जंगल में जाके क्या करे, कहीं भी जाए, बद्ध जीव कहीं भी जाए, अपना बद्ध मन को लेके ही जाएगा ना। बद्ध जीव कहीं भी जाए तो दूषित अवशिवत मन को लेके ही जाए, इंद्रियगण को लेके जाए, जहां भी जाए वहां भी उठपटांग शुरू हो जाए। और अगर मन वशभूत है तो यो संसार में रह जाए, हर भगत कथा कीर्तन में लगे रहे, वो घर में रह भी, वो घर में रहते भी, रहते हुए भी भगवत प्राप्ति कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। संसार में रहने से कोई असुविधा नहीं है, लेकिन पूरा तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बाद संसार में रहे तो ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, हम संसार में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संसार हमारा हृदय में रहे तो दिक्कत है। हम संसार में हैं कहाँ जाए, हम संसार में हैं तो कोई दोष नहीं, लेकिन हमारा अंदर में संसार घुस जाए तो वो दोष है। जैसे किश्ती है, नो बोट है, नो नैया, नैया कहाँ रहे, पानी में ही तो रहे, पानी छोड़ के कहाँ जाए, नैया तो पानी में ही रहेगा, बोट ये तो किश्ती जो बोट पानी में ही रहेगा, इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन पानी अगर इसमें रहे तो दिक्कत है। ये उदाहरण ध्यान से पकड़ लेना, समझने का कोशिश करना। बोट नैया जो है, किश्ती जो है, वो तो पानी में ही रहे, कहाँ जाए, लेकिन पानी अगर इसका अंदर में रहे तो ये डूब जाएगी, पूरा हालत खराब। तो ये सोच लो कैसे 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 हम लोग बताए पहले का उदाहरण, जैसे स्थित प्रज्ञ कौन है कौन नहीं है, ऐसा करके अगर विचार करें तो देखे, प्रसाद सर्वदुक्षानम हानि रसोपजायते प्रसन्न चेत सही आंसु बुद्धि ही पर जब तिष्ठते। जब प्रसन्न चेतसा हो गया, हृदय प्रसन्न है, जब हृदय प्रसन्न हो पाया तब तो कोई असुविधा नहीं है। प्रसन्न हृदय जब हो गया, प्रसन्नता प्रसाद प्राप्त हुए, चित्त प्रसाद प्राप्ति करने के बाद ये पुरुष का अर्थात देहधारी जीव का, पुरुष मतलब पुरुष नहीं, मेल फीमेल नहीं, देहोधारी जीव, प्रसादे देहोधारी आदमी का चित्त प्रसाद प्राप्ति होने के बाद तमाम दुखों का अवसान समाप्ति हो पाती। कारण क्या है, मेरे प्रसन्न चेता व्यक्ति, प्रसन्न चित्त वाले, वास्तव प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति का बुद्धि बहुत जल्दी उपास्य वस्तु में स्थिति लाभ करने चले हैं। अभी मेरे करके रख देंगे, कोई बात नहीं।
अब ये प्रश्न उठता है, महाराज संसार में रहते हुए इतना सारे सामान सब देखभाल करो, कुछ भी करो, करने का बाद कैसे ऐसे संभव है कि गीता का फॉर्मूला अपना जीवन में लगाए? ये कैसे संभव है शांति प्राप्त करना, और एक साथ इतना काम कैसे करे? इतना काम एक साथ कैसे करे? ये भी संभव है? आ फिर भी मन रहे ठाकुर जी के चरण में? अरे हम तो बद्धू जीव है, अरे बद्धू जीव के लिए संभव नहीं है, लेकिन अभ्यास करे तो क्या कुछ नहीं संभव है। अभ्यास करते चले, अभ्यास मतलब अभ्यास योग अगर समझे तो ये तो गुरु वैष्णव का अनुगत्य में हो सकता है। जनरल प्रैक्टिस जो आदमी कहते हैं इसमें भी बहुत सारे फायदा होता है, बहुत सारे। और गुरुचरण आश्रय में वास्तव अभ्यास योग का अभ्यास करे तो कोई कहना क्या है, कोई बात ही नहीं है। एक साथ इतना काम करना संभव है? कैसे संभव है? और फिर ठाकुर जी का चरण में लगन लगा के रखे, ये भी कोई संभव है? बोले हाँ संभव है, जरूर है, जरूर है, क्यों नहीं है? ये अभ्यास का बात है। जैसे एक मैया अपना बच्चा को दूध पिला रही है, स्तन पिला रही है, इसके बाद अभी वो जो है थोड़ा रसोई का काम में भी लगे हैं, रसोई का काम में पीढ़ा के ऊपर बैठ गया, बच्चा दूध पी रहा है और अपना डान हाथ देके ऐसा ऐसा कर रहा है, रसोई का थोड़ा बहुत काम कर रहा है। इतने में दूध वाले आ गया, दूध वाले को साथ हिसाब भी कर रहा है, बच्चा को गोदी में लेके रसोई का काम मतलब ये सब्जी अमानिया आदि कर रहे हैं, रसोई का ही तो काम है, सब्जी अमानिया तो रसोई कैसे हो, सब्जी अमानिया कर रहे हैं, बच्चा को दूध ले रहे, और साथ ही साथ दूध वाले आ गया, अगले महीना में कितना दूध लिया उसका हिसाब जोड़ रहे हैं। तो एक आदमी दूध वाले का सही हिसाब कर रहे हैं, सब्जी अमानिया में लगे हुए हैं, बच्चा को दूध पिला रही है, लेकिन ध्यान हर वक्त है कि हमारा हाथ ये कट जन, हमारा हाथ जो है कट ना जाए, हमारा हाथ कट ना जाए, इस विचार बिल्कुल ये चिंता में लगे हर वक्त सावधान है। सब काम ही कर रहा है लेकिन ये विचार कर रहा है कि मेरा हाथ ना कट जाए, इस विषय में हर वक्त सावधान है। उदाहरण के द्वारा बोला जाए, युधिष्ठिर महाराज राजा बन के बैठे हैं, तमाम काम करते हैं राजधानी का, राज्यों का, फिर भी अपना लगन तो कृष्ण चरण में है। और ये जो मिथिला का राजा जनक महाराज, ये बड़े बड़े तमाम महा महा जो साधु महात्मा हैं, लोगों को उपदेश देने वाले हैं, महर्षि जनक महाराज, श्री जनक महाराज भी अपना राज्य राजधानी सब कुछ करने का बावजूद दिल तो एकदम ठाकुर जी के चरण में ही है। सो एक साथ दो चार काम करना कोई बड़ा बात है नहीं, कर सकता, इसमें कोई बड़ा बात होता नहीं, कर सकता, लेकिन इसका लिए अभ्यास होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। और गुरुचरण के आश्रय के बाद जो अभ्यास योग है इसमें तो कहना ही क्या है, अगर शरणागत हो गया तो तमाम जगत का सिद्धि जो है सारे हो पाएगा, भक्ति सिद्धि आदि सब हो जाएगा, कोई शेष नहीं रह जाएगा सर। इसके बाद बताए ये नास्ति बुद्धि रजोक्त न चा युक्त भावना न चा अभावत न चा अभावत शांतिर अशांतस्व कुतो सुखम नास्ति बुद्धि रजोक्तस्व। जो अयुक्त है, अयुक्त माने नास्ति बुद्धि अयुक्त, अयुक्त माने चे असमाहित अंतकरण,
अजितेंद्रिय, जिसका मन भगवान में लगन नहीं है, जिसका अयुक्तस्य डिटैच्ड फ्रॉम सुप्रीम लॉर्ड, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, इसका बुद्धि माने प्रज्ञा, बुद्धि तो है ही है, बुद्धि नहीं तो क्या, ये बुद्धि नहीं है प्रज्ञा, जो बुद्धि हमको सही रास्ता में चलाने का मार्ग दिखाए, नास्ति बुद्धि, इसका बुद्धि है नहीं, प्रज्ञा नहीं है। अयुक्तस्य भावना च, जो अयुक्त व्यक्ति है, असमाहित असमाहित अंतकरण वाले हैं, अजितेंद्रिय वाले हैं, ये अयुक्तस्य भावना च, इनका आत्मचिंतन भी नहीं है, ईश्वर चिंता भी नहीं है, कुछ नहीं, पूरा सेपरेटेड, आइसोलेटेड, टोटली बिजी इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, ये जगत में व्यस्त है। अभावयतः च ईश्वर चिंता परान्मुख व्यक्तियों का शांति मिलना संभव नहीं है। अभावतः अभावयतः च ईश्वर चिंता परान्मुख व्यक्तियों का शांति का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि अशांत व्यक्ति का सुख शांति कहां से मिल सकता है, जो है ही अशांत चंचल है, अशांति अशांति अशांत व्यक्तियों का शांति भला कहां से मिल सकता है, ये तो है ही नहीं। इसलिए बताया नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च, इसका इस सच्चिंतन आदि आत्मचिंतन कुछ नहीं, न च ये भी नहीं है, न च अभावतः न च अभावतः, ये सब अभाव वाले का अयुक्त जो व्यक्ति है, असमाहित चित्तांतकरण, असमाहित अंतकरण वाली वाली जो है, अजितेंद्रिय जो है, इसका तो हिदर में हर वक्त बेचैनी बने रहते हैं, हर वक्त बेचैनी बेचैनी, तो ऐसा माकि कोई व्यक्ति है अशांतोष्य कुतो सुखम, इसका शांति और अशांतोष्य कुतो सुखम, शांति नहीं है इसका अंदर में, तो बिल्कुल शांति नहीं है, बेचैनी हर वक्त है, और ऐसा अशांत व्यक्तियों के लिए सुख कहां से आ सकता है, वास्तविक सुख, विषय सुख नहीं, चित्त प्रसाद सुख, ये लोगों के लिए जो अशांत है, चंचल है, विषय में उलझे हुए हैं, ठाकुर जी के साथ बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है, शांति अशांत सुख तो सुखम, ऐसा व्यक्तियों का शांति कहां से आ सकता है, हो ही नहीं सकता, कैसे हो, ऐसा करके बताए। इस जगत में जो भोगी व्यक्ति है, मतलब जिसका जिसका अंतकरण वशीभूत नहीं है, असमाहित अंतकरण वाले जो है अजितेंद्रिय, ये तो भोगने के लिए बहुत चेष्टा करता है, बहुत, लेकिन अगर भोग भी मिल गया फिर भी शांति नहीं मिलती, विषय में जो उलझे हुए हैं, अरे बहुत अच्छा खा लेंगे, आज भंडारा है, ऐसा लालच जिसका है, लालच जिसका है, वो खाके भी शांति नहीं मिलता उसका, बिल्कुल नहीं। क्यों आदमी सब विशुद्ध सुख व परमानंद लाभ करने में असमर्थ है, क्यों, क्या कारण है, लोग जो विशुद्ध सुख अर्थात परमानंद भोग नहीं कर पाते, संभव नहीं है, इसके कारण क्या है, हो सकता कारण एक ही है, इसका बेचैनी, जिसका अंदर में करोड़ों करोड़ों रुपया का समस्या है,
करोड़ रुपया है उसका संभालने का बहुत सारे समस्या है, ये सोते हुए भी सो नहीं पाते अच्छे अच्छी तरह से, सो भी नहीं पाते क्योंकि चंचल हृदय है, सोते ही वे चिंता में लगे हुए, अरे करोड़ों करोड़ रुपया उधर लगाया फैक्ट्री में, क्या हो सकता अगर आंदोलन चल जाए लेबर लोगों में तो सत्यानाश है, ऐसा चिंता। हर वक्त जो प्रहलाद महाराज जी ने पिताजी को बताया ना, पिताजी को बताया ना, तू क्या अच्छा समझता है बता, जो अच्छा समझता है वो बता। प्रहलाद महाराज जी बोले हम तो ये अच्छा समझता है, तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देही नाम, तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देही नाम, सदा समुद्विघ्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्पातं गृहमन्दकूपं वनं गतः यद् हरिमाश्रयेत्। प्रहलाद महाराज जी हिरण्यकशिपु को बताए तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देही नाम, हे असुर श्रेष्ठ हम इसी को सबसे अच्छा समझते हैं, तत्साधु मन्ने हे असुर वर्ज देही नाम, ये देहोधारी जीवों के लिए आदमी के लिए ये मैं अच्छा समझता हूँ, तत्साधु मन्ने हे असुर वर्ज देही नाम, सदा समुद्विघ्न धिया सद्गृहा, हर वक्त बेचैनी, सदा समुद्विघ्न धिया उद्विघ्न भाव है, समुद्विघ्न नत उद्विघ्न, सदा समुद्विघ्न धिया असत ग्रह, इसका शनिचर खराब है क्या मंगल खराब है, तमाम ये सब विचार बनता है इनके हृदय में। तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देही नाम, मैं इस सबसे अच्छा समझता हूं मानता हूं, ये देहोधारी जीव के लिए देहोधारी आदमी के लिए जिनका हृदय में हर वक्त बेचैनी बेचैनी है, सदत विघ्न सदा उद्विघ्न धिया असत गृह, जो ये छोड़ छाड़ के निश्चिंत होके जंगल में चले जाए ठाकुर जी के शरण में, वनम गत यद हरिमाश्रय, वन मतलब जंगल नहीं है, भगवान इसका उत्तर दे दिया है 11 स्कंद में, वनम तु सत्यकम वासम राजसम ग्राम उच्चते, तो इसमें उत्तर दे दिया जे बनम तु सत्यकम वासम, वनवास का मतलब हम क्या बोलना चाह, बोले बनम तु सत्यकम वासम अर्थात साधु संग में हरि कथा कीर्तन में लगे रहो सुनते रहो, सतांग प्रसंग्यात मम वीरज संविद भवंती हित करुण रसायन कथा तज्जोषनद आसु अपवर्कणी श्रद्धा भक्ति रति रणुक्रमिष्यति, ये बताया सदा समुद्विघ्न धिया मसद गुहात, ये लोग के लिए मैं तो ये अच्छा समझता हूं कि चले जाए जंगल, जंगल में जाके बनम गत है या हरिमाश्रय हरि को हरिचरण का आश्रय करे, और जंगल में जाने का मतलब जंगल नहीं है, जंगल का मतलब वनम तु सत्यकम वासम, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय संसार जीनित यार करो वस्तु नाही, यही समझता हूं मैं, सदा समुद्र विघ्न दिया सदग्रह हित्वा आत्मपातम गृहम, आत्मपात सुइसाइडल खतकसी करने का व्यवस्था है संसार में, ये तो खुदकशी करने की व्यवस्था है, ये छोड़ने का बाद अगर चले जाए भगवत चरण में शरण ले हित्वा तो पातम गृहमंद कूपम, एक घर जो है एक कारागार ब्रह्मा जी बताए, और प्रहलाद महाराज कहनी ये अंधे कुएं के बराबर, ये एक अंधे कुएं के बराबर हित्वा तो पातम गृहमंद कूपम बनम गत हरिमाश्रय, जंगल में जाके हरिभजन करे, जंगल मतलब बनम तु सत्यकम वासम, बनम तु सत्यकम वासम राजसम ग्राम उच्चते, और
तामसम दूत सदनम ऐसा करके विवेक करके ठाकुर जी दिखाए। तो ये जो है वास्तविक रूप ये है जे लोग वास्तविक सुख जो है परमानंदो भोग करने में असमर्थ है। इसका एक ही कारण है अशांत बिल्कुल बेचैनी है अंदर में। इसीलिए अगर प्रश्न किया जाए तो महाराज अशांत क्यों है, काय बात की अशांति, बोले अशांत इसलिए है कि इसका विषय तृष्णा का विराम नहीं है। मनोरथेन असतो धावतो वही, हर वक्त मन रूप रथ में सवार होकर पांचाल देश में भोगने वाला जो पांचों चीज है शब्द स्पर्श रूप रस गंधो ये सब में लगे हुए हैं। इसका अंदर भी विषय तृष्णा है, इसीलिए बहिमुख मनोरथेन असतो धावतो वही, बाहरी दुनिया में जा रहा है, अंतश्चिंता नहीं है, इसका अंतरात्मा का शांति नहीं मिलेगी। आत्मचिंता में विचार नहीं करते ये लोग। आत्मचिंता में जब कोई व्यक्ति तन्मय हो जाता है, आत्मविषया प्रज्ञा इसका अंदर में नहीं है, तो आत्मचिंता में अंतर्मुख होना ये लोगों के लिए असंभव है, संभव नहीं। आज जिन लोगों के अंदर में विषय चिंता बिल्कुल नहीं है, भविष्य में क्या होगी, अतीत में ऐसा हुआ था, भविष्य में क्या होगी, ऐसा लेके किसी अगर किसी महात्मा के अंदर में टेंशन बोल के कुछ चीज है ही नहीं, ये तो सुखी है। क्योंकि टेंशन क्यों है नहीं, बोले भगवत चरण में लगन है इसलिए नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अगर भगवत चरण लगन नहीं है तो टेंशन तो जरूर है। आरुज्य कृच्छेन परम पदम ततः पतति अधः, अगर बड़ा ऊंचा पद को प्राप्त कर लिया फिर भी पतन होना कोई असंभव बात नहीं है। इनके जो इंद्रियां हैं जितना सारे अपना वशीभूत नहीं है, इसलिए चित्तोक्षोभ चित्त में विक्षोभ पैदा होना स्वाभाविक है। हरति प्रज्ञा इत्यादि बताया, प्रज्ञा हरण करके ले जाता है। ऐसा करके बताएं और उसके बाद बताएं इंद्रियाणम ही चरतम शन मनो जन मनो अनुविधीयते तदस्सहरति प्रज्ञाम वायुर्नाभो मेवाम्बसी। इंद्रियाणम ही चरतम जन मनो अनुविधीयते तदस्सहरति प्रज्ञाम वायुर्नाभो मेवाम्बसी। ऐसा है मन हर वक्त चलता है, मन ये इंद्रिया जो है मन का वशीभूत है, अब मन किसी का वशीभूत नहीं है। मन मन अगर करे तो जो इंद्रियों के इशारा में लगा देंगे वो इंद्रिय ये काम करने में लग जाएगा। मन जैसे इशारे में उसको प्रेरणा देगी हर वक्त इंद्रियों उसी ओर चलना शुरू कर देगा। मन विषय में प्रवर्तमान इंद्रियों को जैसे जैसे चलाएंगे ऐसा ही चलते रहेगा। और ऐसा मत कि कोई इंद्रिय है ये इंद्रियों ओ विषय भोग करने में गया तो हो गया एकदम लपड़ा पूरा, इनकी ये प्रज्ञाएं हरण करके छोड़ देंगे और
पानी का ऊपर बेसहारा एक बोट है, नैया है, किश्ती है, और हवा का झोंका आया, बिल्कुल बेचैनी है, एकदम घूमना शुरू कर दिया। ऐसा करके उसका प्रज्ञा को हरण करके ले जाते हैं। इंद्रियाणम ही चरतम यन मनो अनुविधीयते तदसहरति प्रज्ञाम वायुर्नाभो मिवांबसी। मन का वशीभूत इंद्रिय है, मन किसी का वशीभूत नहीं है, अजितेंद्रिय मन, और जो इंद्रिय सब जितेंद्रिय नहीं है, फिर भी मन उसको परिचालित करते रहते हैं। मन अगर कह दिया तो कैसा शुरू कर दिया। ऐसा करके कोई भी एक इंद्रियों का विषय को भोग करने गया तो लपड़ा हो सकता है, उसमें उसका परक प्रज्ञान जो है हरण करके ले जाके उसको नेकेट बना दे, कुछ पागलपंथी ऐसा काम शुरू कर दे तो ये बिल्कुल खराब है। हमारा चक्षु कर्ण नासिका त्वचा जिह्वा ये पंच कर्मेंद्रियो रेस्पेक्टिवली रूप, ये जो चक्षु है, कर्ण है, नासिका है, जिह्वा, त्वक है, ये रेस्पेक्टिवली रूप शब्द गंध रस स्पर्शो पांचों विषय में रमन करते रहते हैं। इसको पांचाल देश बोला गया। किसी एक इंद्रिय अगर चला गया तो इसमें बहुत सारे विपत्ति आ सकता है। जैसे एक लड़का रोज एक लड़की का दर्शन करते हैं, स्कूल में जाते, ये स्कूल में जाते समय ये दर्शन करता, अब ऐसा उसके रहा नहीं गया, जाके उसका साथ कूद करने गया, बस लड़ाई झगड़ा हो गया। पांचों इंद्रियों में एक इंद्रिय अगर बेईमानी कर दे तो पूरा लफड़ा हो सकता, सोच भी नहीं सके, इतना पंडित व्यक्ति है, बहुत पंडित व्यक्ति है, जजमानी करता है, लेकिन उसका अंदर में लव है, ब्राह्मण का अगर लोभ है, वैष्णव का लोभ है, तो लोभ ही आपको नंगा करके फेंक देगा, अपमान कर देगा। मन तो तन तो बोल के जाग जो कर रहा है सब, पुरोहित को सभी आदमी इज्जत करता है, लेकिन उसका लालच है, उसका जग का सामने जो सोने का जो चीज अर्पित किया गया उसमें लोभ है, रहा नहीं गया, उसको छुपाने गया, किसी ने देख लिया, बस लड़ाई। माना पंडित व्यक्ति का भी कोई शांति नहीं। एक उदाहरण दे दे तो अच्छा है। संस्कृत में एक वचन आता है सुंदर नीति शास्त्रों में, शब्दादिभिः ही पंचरी वेद पंचभी रेव पंच पंचोत्तम आ मापुहु स्वगुणेन वध्या कुरंग मातंग पतंग मीनो भृंगः नरः पंचभी रंजितः किंग। शब्दादि भी, शब्दादि भी माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्दादि भी पंच भी रेव पंचो पंचोत्तम आपु स्वगुणेन वध्या। पांच प्राणी हम बताएंगे, ये पांचों पानी पांचों रेस्पेक्टिव विषय में उलझ जाते हैं, इसी में इसका मौत आ जाती है। जैसे पतंग, पतंग है अग्नि में छलांग लगाते हैं, दिवाली का पहले आप देखो, ये पतंग जो है ये अग्नि में छलांग लगाना चाहता, क्योंकि उसका अग्नि का जो रूप है देखने में बहुत अच्छा लगता है, जाने पूरा जल के मर जाता है। पतंग रूप के द्वारा आकर्षित होते रहते हैं, मातंग मतलब हस्ती स्पर्शो दोष में लगे रहते हैं, हस्तिनी का स्पर्श करने के लिए भागे 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 चलते हैं,
और एक ट्रैप बना के रखते हैं जो शिकारी वाले उसी में फंस जाते हैं। मातंग स्पर्श से स्पर्श में उलझ जाते हैं, खो बैठते हैं याददास। भृंग जो है मधुमक्खी पुष्प में पुष्प का गंध के द्वारा भागते रहते हैं। कुरंग वंशी का रब में धनी में हिरण, और मीन जो है मछली जो है ये रस के द्वारा, अगर कोई अच्छा बुरा दे दिया इसको पकड़ने के लिए वो उसको रहा नहीं जाता, वो जाके उसको खा लेते, ये है आंकड़ी में फंस जाते। ये मछली जो है मीन, अगर आदमी अगर ह्यूमन बीइंग कोई आदमी अगर है पांचों पांचों विषय में अगर युक्त असक्त हो जाए, पांचों पांचों विषय में अगर असक्त हो जाए सोचो क्या हालत होगी। पांचों पांचों विषय में एक एक विषय में एक एक हम उदाहरण दिए, एक एक उदाहरण दिए हमने, कुरंग मातंग पतंग मीनो भृंगा नरो एक एक उदाहरण दिए। अब सोचो जिसका अंदर में पांचों पांचों ही फे आकर्षण है, मतलब टोटली फेलियर इन सेल्फ कंट्रोलिंग, कुछ भी नहीं है कामयाब, बिल्कुल फेलियर, इसी अवस्था में क्या हो सकता ना। शब्द दिवि पंचभी रेव पंचो पंचोत्तम आपहु सगुणे न बद्या कुरंगो मातंगो पतंगो मीनह मीनो भृंगः नरहो पंचभी रंजित किंग। शब्दादिभिः पंचभी रेव पंचो पंचोत्तम आपहु सगुणेन वद्यः कुरंगो मातंगो पतंगो मीनो भृंगः नरो पंचभी रंजित किंग। ये विचार करके देखो ऐसा है, हर हालत में ये जो अवशीभूत इंद्रिय हैं कभी भी मुसीबत में फंसा सकता है। इंद्रियानाम ही चरताम जन्मनो अनुविधीयते तदसहरति प्रज्ञान वायुर्नाभो मिवांबसी। जैसे पानी में किस्त बोट है, इसका कंट्रोलिंग पावर नहीं, कुछ नहीं है, सब छोड़ दिया, और वायु के द्वारा तमाम साइक्लोन है वायु के द्वारा घूमते रहते हैं डूबने के चक्कर में, हालत बहुत खराब है। इसलिए बोला तदस्य हरति प्रज्ञान, इसका प्रज्ञा हरण करके ले जाते हैं। तदस्य हरति प्रज्ञान वायुर्नाभो मिवांबसी, अंबसी मतलब पानी में अगर बोट किस्ती रहे इसका क्या हालत हो सकता, एक हवा का झोंका आए तो साइक्लोन आए तो संभालने का बाहर चला जाए। ऐसा करके विचार करके फिर ये देखो आगे में चल के तस्मात जस्सो महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियानि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता। तस्मात् जस्सो महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियानि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किनके हृदय प्रज्ञावान है, प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो पाया है, किसका हृदय में भले बोल रहा है हम महाभाव, इसीलिए कह रहा है कि भगवान हे महाभाव जब इंद्रियों जब सारे इंद्रियां मन इंद्रियानि मन एवं मन
तस्मात् जस्सो महाबाहो निगृहीता नि सर्वस्व तमाम इंद्रिय वशीभूत है, मन वशीभूत है, मन इंद्रियों को चलाता है, मन वशीभूत है मतलब इंद्रियों भी वशीभूत है, जिसका मन इंद्रिय वशीभूत है वो स्थित प्रज्ञ है, प्रज्ञावान व्यक्ति है। तस्मात् जस्सो महाबाहो इसलिए बोल रहे हैं कि तस्मात् जस्सो महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, जिनके हृदय में तमाम ये इंद्रियां हैं, मन है, सारे वशीभूत है, अस्तित्व पूर्व अवस्था को प्राप्त किए हैं, मतलब कहना चाहे कि तस्मात् जस्सो महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, जो सारे तमाम चीजों को कंट्रोलिंग में ला सके, इसका लिए कोई खतरा नहीं है। इंद्रियानी इंद्रियानी इंद्रियार्थे मतलब इंद्रियानी इंद्रियार्थेभ्यो तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठित, जिनके इंद्रिया सर्व प्रकार विषय से हट गया, निवृत्ति हुआ, इनके ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित बोल के मान के चलो, इसका स्थित प्रज्ञ का ये उदाहरण है। तस्माद् यस्सो महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियानि इंद्रियार्थेभ्यो तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इनके ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो पाया ऐसा मान के चलो। इसके बाद बताए ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए, अर्जुन ये ध्यान रखना, जानी स सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने, जानी स सर्वभूतानाम आत्मनिष्ठा का विषय में ये जड़ जगत का जो आदमी है वो सोए रहते हैं, विषय में जागे रहते हैं, इसमें हमारा लाभ होगी, लाभ लुस्कान जो कुछ भी है सब हर वक्त होशियार है, हर वक्त होशियार होशियार होके चलता है। जानी सा सर्वभूतानाम समाम भूतो भूतो ग्राम के लिए, जो रात की बराबर है, रात में सब सोए रहते हैं, याददाश्त खो जाते हैं, इंद्रियां सब सोए रहते हैं सारे, जानी सा सर्वभूतानाम सोए रहते हैं, तस्याम जागृति संयमी, और संयमी व्यक्ति स्थितोपग्र व्यक्ति जिस विषय में ये लोग सोए रहते हैं, अतः आत्मचिंतन में आत्मतत्व के विषय में सोए रहते हैं, बिल्कुल क्या याद है और क्या होगा इसमें, ऐसा बोल के बिल्कुल ओहिमा अनुभव नहीं करते। जानी सा सर्वभूतानम तस्म जागृति संयमी, संयमी जो प्रज्ञावान व्यक्ति सदा सतर्क रहते हैं, लेकिन ये आत्मचिंतन के विषय में जड़ जगत का आदमी बिल्कुल होश ही नहीं है, मतलब सोए रहते हैं, ये निशा का बराबर, रात की बराबर, जैसे रात में तमाम चीज को छोड़कर सो जाते हैं आदमी। जानी सा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति संयमी, जिस विषय में संयमी व्यक्ति सदा सतर्क है, भगवत तत्व विज्ञान आत्म संयम, सा निशा पश्यतो मुनि, यस्याम जागृति भूतानी, जिस विषय में भूतोग्राम जागे रहते हैं, अर्थात विषय का लाभ लुस्कान के विषय में, विषय चेतना में हर वक्त विषय का चिंतन में चेतना में डूबे रहते हैं, तो जस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, जो मौनधारी है, जो प्रज्ञावान व्यक्ति है, विषय में सोए रहता है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल चिंता ही नहीं करते, जो लोग विषय में खोए रहते हैं
लेकिन मणि ऋषि जो है मुनि मुनियों ने ये सब विषय में सोए रहते, चिंतन नहीं करते। जो विषय लोग इसमें जगे रहते हैं तो ये जो हमारा मुनि ऋषि जो है जो जो प्रज्ञावान व्यक्ति जो है वो हर वक्त इसमें विषय में उलझे रहते हैं विषय व्यक्ति, और ये जो तत्वज्ञानी व्यक्ति इसमें सोए रहते हैं, इसमें उसका कोई चिंतन है ही नहीं। मतलब है संगमी योगी पुरुषो आत्मनिष्ठा आत्मनिष्ठा के विषय में जागृत रहते हैं विषय में निद्रित, और अज्ञ व्यक्ति विषय चिंता में हर वक्त लगे रहते हैं आत्मचिंता में विरत, आत्मचिंता नहीं करते। ऐसा करके बताए कि जानिसा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी जस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने जानिसा सर्वभूतानाम, ये करके विचार करके बताया बड़ी बढ़िया ढंग से। और इसका बाद जो श्लोक है इसमें बताया गया 70 नंबर आपूर्जमानम अचलम आपूर्जमानम अचल प्रतिष्ठम आपूर्जमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापह प्रविदं प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिम् आप्नोति न कामकामी। क्या बताया? आपूर्जमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम काम। आपूर्जमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। जैसे समुन्दर में तमाम नदियों का पानी जहां जैसे उत्पत्ति हुई, तमाम ये नदियों का पानी जो है आके अंतिम में समुन्दर में ही मिलते हैं। समुन्दर में जितना सारे नद नदी का पानी आके सारे इसी में समा जाते हैं। मतलब ये है ये समुन्दर में हर वक्त गैलन सब पानी हजार हजार गैलन पानी जाके प्रवेश करता है, फिर भी समुन्दर का कोई क्षोभ नहीं है, क्योंकि समुन्दर तो समुन्दर है, इसका अंदर में कि क्षोभ उपस्थित नहीं हो पाते कि इतना पानी आया कि क्षोभित हो गया उछल गया, ऐसा नहीं। इसमें समुन्दर का कोई विक्षोभ नहीं उपस्थित हो पाते, समुन्दर हर वक्त स्थिर है प्रशांत है, इसमें कोई बेचैनी नहीं है उठपटांग नहीं, समुद्र हर वक्त स्थिर प्रशांत। इसी वक्त चित्त जिसका चित्त है ठाकुर जी से नित्य संयुक्त है, जिसका हृदय चित्त यहार ईश्वर ईश्वर में नित्य युक्त है, ये तमाम विषय सब है विषय समूह, इनके ये इंद्रियों का गोचर सन्मुखीन होने से भी विषय आ गया आमने सामने हो गया विषयों का, फिर भी इसका चित्त में कोई खोब विक्षोभ नहीं है विक्षुब्ध तो नहीं हो पाते, क्योंकि ठाकुर जी के चरण में इसका मन स्थिर है लगन लगा, इसीलिए इसका चित्त में कोई विक्षोभ नहीं पैदा हो पाते।
वे सर्वावस्था हर वक्त स्थिर धीर प्रशांत होके रह जाते हैं समुंदर। ऐसा मापी किसी का और हृदय ठाकुर जी में लग गया, लगन लग गया, ये लोग विषय भोगों का कोई समान देख लिया, प्रसाद का रूप से गोन भी कर लिया, फिर भी इनका हृदय में विक्षोभ नहीं है, विषय भोग करके भी सर्व दुखो निवृत्ति रूप परम शांति को प्राप्त करते हैं। हर वक्त भोगने का कोई इच्छा ही नहीं, किंतु जो व्यक्ति सर्वदाय भोगों का कामना में उलझे हुए हैं, आकुल बेचैनी है, वो कभी भी शांति प्राप्त शांति को प्राप्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कामना का कोई अंत नहीं है, न कामेनो न कामह कामेनो न, ऐसा एक श्लोक है, भूल गया अभी याद आए, न काम न जातु कामह कामानम उपभोगे न सम्मति, याद हो गया, न जातु कामह कामानम उपभोगे न सम्मति, न यातु काम कामानम उपभोगे न सम्मति, जो कभी भी काम उपभोग के द्वारा प्रशांति को प्राप्त नहीं कर सकते। न यातु काम कामानम उपभोगे न सम्मति, ये काम को निभाने के लिए और जरा सा काम काम का वस्तु और जैसे आग जल रहा है उसमें इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट घी मक्खन तेल आदि संयोग करोगी करोगे तो ज्यादा बढ़ते रहेगा, आंख का कोई परिसमाप्ति नहीं है। जितना भी काम भोग लो लेकिन फिर भी काम के द्वारा काम का भोग का निवृत्ति प्राप्त तो नहीं हो सके। जितना हो सके आप काम भोग कर लो, आपका मन में है तो मां जीवन दिन, दिन जीवन दो दिन का है, जितना चाहे भोग कर लो, लूट लो, भोग करने गए, लेकिन ये भोग करने का बाद भी उसी विषय में इसका भोग का जो वासना है रह जाए, इसका कोई प्रशांति नहीं है। न जातु काम कामानम उपभोगे न सम्मति, ये बढ़ते चलेगा, विषय तृष्णा का निवृत्ति कदापि नहीं है, विषय तृष्णा का निवृत्ति कदापि नहीं है। ओइलो का साथ उर्वशी का संबंध विचार करो, इतना वीर पुरुष है और देखने में इतना सुंदर है, उर्वशी भी मिलन करना चाहे ओइलो का साथ, लेकिन अंतिम में कौन हो क्या हुआ, अंतिम में ओइलो का कोई शांति उर्वशी को भोग करने का बाद भी कुछ नहीं हो पाए, पागल बन गया। सो न जातु काम कामानम उपभोगे न सम्मति, काम भोग करने का बाद काम का प्रशांति होगा ऐसा कुछ गारंटी है नहीं, बढ़ जाता है, उल्टा बढ़ जाता है, किसी भी हालत से इसका निवृत्ति नहीं है। एकमात्र जो स्थितपज्ञ व्यक्ति है उसका जिंदगी में कोई समस्या नहीं। सो आपूर्जमानम मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापह प्रविशंति जदवत
जैसे समुन्द्र में सारे तमाम नदियों का पानी जाके मिल जाती है, तद्वत कामा जन प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। जैसे नदी सकल तमाम नदियां के प्रशांत समुद्र में प्रविष्ट हो जाती है, विलीन हो जाते हैं, ऐसा मापिक जिस महात्मा में विषय सकल प्रवेश करके भी कोई भी किसी भी हालत से चित्तो क्षोभ का कारण नहीं बन जाता, क्षोभ उत्पन्न नहीं करते, आज ये व्यक्ति तो शांति जो शांति को जरूर प्राप्ति करेंगे। और जो व्यक्ति भोग में लगे हुए उलझे हुए हैं उसका लिए शांति तो बिल्कुल संभव है ही नहीं, इसका लिए तो शांति प्राप्त करना बिल्कुल संभव है ही नहीं, कैसे संभव। 31 नंबर श्लोकों में ऐसा बताया, जो विहायो कामानो या सर्वानो पुमांस चरति निष्प्रिया निर्ममो निराहंकार सशांति अधिगच्छति। जो व्यक्ति तमाम कामना को त्याग कर दिया, अकाम सर्व काम, जैसे अकाम बोला ना, तमाम दुनिया का कामना वासना को त्याग कर दिए, जो व्यक्ति तमाम कामना को त्याग कर दिए, जो व्यक्ति तमाम कामना को त्याग कर दिया करके निष्प्रिय, कोई विषय भोगने को कोई चिंतन भी नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा अगर हालत हो, जो व्यक्ति समस्त कामना त्याग करके निष्प्रिय होके विचरण करते हैं, ये लोग ममता शून्य अहंकार शून्य, ममता शून्य अहंकार शून्य, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, तिनी शांत प्राप्त हो। विहायो कामानो या सर्वानो पुमांस चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, उसका लिए शांति प्राप्त करने का व्यवस्था है, बाकी आदमी नहीं कर सके। तमाम विषय को छोड़ दिया, आकर्षण कुल बिल्कुल नहीं है, तमाम छोड़ दिया, सुखों का अनुसंधान में व्यस्त नहीं इंद्रिय और मन का, ऐसा जो व्यक्ति है इसका लिए कोई असंभव नहीं है। जो व्यक्ति समस्त कामना त्याग कर दिया, निष्प्रिय हो गया, कोई स्प्रिहा भी नहीं है अंदर में, होके विचरण करता है, वो तो ममता शून्य, विषय 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 चीजों में ममता शून्य है, वो अहंकार शून्य। अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसका पास ही शांति मिले, वही शांति को प्राप्त कर सकता, दूसरा बात नहीं। सो का सो विहायो कामानो या सर्वाणु पुमांस चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, उसका कोई विषय में कोई लगन नहीं, कोई बिल्कुल वीकनेस नहीं है, निर्ममो निरहंकार शांति मधिगच्छति, उसका लिए ही शांति प्राप्त करना संभव है, बाकी आदमी के लिए नहीं है। अगला श्लोक में बताया, देखो ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही, ये जो आगा स्थिति है, ये जो स्थिति है ये ब्राह्मी स्थिति है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति है पार्थो नैनम प्राप्त विमुह्यति, इसको बोला जाता है ब्राह्मी स्थिति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति है पार्थो, और ये ब्राह्मी स्थिति अर्थात ब्राह्मी स्थिति का अवस्था प्राप्त करने का बाद नैनम पार्थो नैनम प्राप्त मिमिज्यति, इसको प्राप्त करने का बाद
अंदर में कभी भी ऐसा भम स्थिति भर्थो नैनम प्रपमित, ऐसा स्थिति को प्राप्त करने के बाद हृदय में बिल्कुल बेचैनी नहीं होगी। ऐसा ब्रह्म स्थिति, इसको ब्राह्मी स्थिति बोला जाता है, ब्रह्म पद, ब्रह्म निर्वाण। ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थो नैनम पप एनम, ये प्राप्त करने के बाद कोई आदमी मोह प्राप्त नहीं हो सकता। स्थित्या अस्याम, स्थित्या अस्याम, इधर लिखा है स्थित्या अश्याम अंतकाले उपी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति अमिच्छति, किताब में है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इसको ब्राह्मी स्थिति बोला गया पार्थो, ये ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने का बाद दिल में बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बेचैनी नहीं, क्योंकि स्थित्या अस्याम अंतकाले उपी, ये ब्राह्मी स्थिति में व्यवस्थित हो जाने का बाद बहुत दिन बाद स्थित्वास्वाम अंतकाले उपी, इसमें व्यवस्थित हो जाने से अंतकाल अगर अंतिम समय आ गया तो ब्रह्म निर्वाणम मृक्षति, इसका लिए ब्रह्म निर्वाण तो खड़ा है, कोई चिंता नहीं है, ब्रह्म निर्वाण तो इसके लिए है ही है, कोई चिंता नहीं है। सारी ये जो अवस्था है ब्राह्मी स्थिति, वो कैसा है, बहुत जगह बहुत श्लोकों में इसका व्याख्या हो पाया, फिर भी एक चर्चा किया जाए। ये जो अवस्था है कैसा अवस्था है, इसका अवस्था है सर्व कामना त्याग, सर्व कामना को त्याग कर देना, इंद्रिय संयम आत्म अभिमान ओ ममत्व बुद्धि वर्जन पूर्वक आत्मचिंता में मशगूल हो जाना, बा इस चिंता में एकनिष्ठ हो जाना, इसी को ब्राह्मी स्थिति बोला जाता है, इसी को ब्राह्मी स्थिति बोला, ब्राह्मी स्थिति इसी को ब्राह्मी स्थिति बोला गया। यह अवस्था कोई भी गृही या तो कि सन्यासी कि जोगी कि गृही कि सन्यासी या तो जोगी, सबको का इसी में अधिकार है, ऐसा नहीं कि इसका अधिकार नहीं इसका है, ऐसा नहीं कि गृही गृह व्यक्ति के लिए या तो सन्यास जो लिया है, गृही सन्यासी जोगी सबको के लिए अधिकार में आ सकता है, या तो अधिकारी अच्छे गृही व्यक्ति ईश्वर में लगन लगाकर, गृही व्यक्ति ईश्वर में लगन लगाकर चित्वार्पण पूर्वक ठाकुर जी का लिए भगवान के लिए पित्वार्थ प्रति का लिए ये जगत में हित हित ये जगत का हित हित के लिए निष्काम कर्म का अनुष्ठान करके भी गृही ईश्वरे चित्तार्पण पूर्वक से ठाकुर जी को ठाकुर जी का प्रीति के लिए ये जगत का मंगल के लिए निष्काम कर्म अनुष्ठान करके भी ये अवस्था को प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं नहीं जैसे जनक महाराज किया। अब ठाकुर जी अर्जुन के लिए भी यही उपदेश दे रहा है, ठाकुर जी अर्जुन के लिए भी ये उपदेश दे रहा है, यही कर्मयोग सिद्धि, यह इसको ही बोला जाता है कर्मयोग का सिद्धि। इसको ही बोला जाता है कर्मयोग का सिद्धि, इसका ये अभी श्रीमद् भागवत गीतोपनिषद भाष ये जो है ये समाप्ति घोषणा किया गया, समाप्ति घोषणा किया गया द्वितीय अध्याय का, यहां तक समाप्ति है। इसके बाद हम तीसरा
अध्याय पे प्रवेश करेंगे, तृतीय अध्याय। इसमें अर्जुन क्या कह रहे हैं कि अर्जुन अभी प्रश्न कर रहा है, अर्जुन अभी प्रश्न कर रहा है, जयसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्माणि घोरे माम नियोजोसी के सब। अर्जुन कह रहा है कि हे जनार्दन, यदि तुम्हारा विचार से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, तब किस लिए केशव हमको हिंसात्मक कर्म जो युद्ध है इसी में नियुक्त करने के लिए आप व्यस्त हो। हे केशव, हमको ये हिंसात्मक कर्म युद्ध ये कर्मों में नियुक्त करने के लिए क्यों आप कह रहे हो? मिक्स्ड वाक्य, इसमें कोई समाधान नहीं हो पाते। विमिश्र वाक्यों के द्वारा हमारा हृदय में बड़ा संशय उपस्थित हुआ, समाधान नहीं हो रहा है, जिसके द्वारा हम श्रेय उपाय को लाभ कर सके ऐसा एक किसी बताओ, एक किसी विषय बताओ जिसमें हमारा भक्ति का प्रसंग है, एक चीज में लग जाए। विमिश्र का हमारे हमारा मोह प्राप्ति कर करा दिया, जैसे कि हम श्रेय लाभ में समर्थ हो सके ऐसा एक पद बताओ निश्चित रूप से। जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन त्वं किं कर्माणि घोरे त्वं, ऐसा है तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। जैसी चेत कर्मणस्ते मता, जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दनो तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अगर बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि योग बुद्धि, तो क्यों हमको ये हिंसात्मक कर्म युद्ध कर्म में लगाना चाहते हो? हमको समझ में नहीं आता, एक बात बताओ। अर्जुन कह रहे हैं कि ये मिक्स्ड आपका, अभी ये करो काल ये करो परसों ये कर, ऐसा करके आप जो बता रहे हैं इसमें मेरा कोई समाधान नहीं आता, हम नहीं कोई समाधान नहीं कर पाता। वैमिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहयसी वमे तदेकम बत निश्चित जेन श्रेय अहम अपनुआम अपनुआम। ये मिश्र वाक्य है आपका, मिश्र वाक्य जो है ये मिश्र वाक्य के द्वारा मेरा जो बुद्धि है मोह प्राप्त हो जा रहा है। तद एकम बद निश्चित, निश्चित तो एक निश्चित करके बता, जिसके द्वारा श्रेयो अहम अपनुयाम, जिसके द्वारा श्रेयो श्रेयो व्यक्ति श्रेयो चीज को प्राप्त कर सके, ऐसा करके भगवान, ऐसा करके भगवान को अर्जुन ने बताए, ऐसा करके अर्जुन ने भगवान को प्रश्न किए। नाउ अभी भगवान श्री कृष्ण विचार करके बता रहे हैं, तो देखो दोनों ही एक है लेकिन तुम समझ नहीं पाए। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानम कर्म योगेन योगिनम। अर्जुन अभी प्रश्न कर रहा है, हे अनुगो, इस जगत में दो किस्म का निष्ठा देखा जाता है, पहले हम बता दिया, एक है संख्य सम्यक क्रियते प्रकाशते तत्व वस्तु, ये सांख्य, ये सांख्य सांख्य दिगो के लिए ज्ञान योग और कर्मियों के लिए कर्म योग, ये दोनों ही बताया हमने पहले।
लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मायानव। मैं पहले ही कह दिया ज्ञान योगिनो संख्यानम कर्म योगिन योगिनम कर्म योगी कर्म योगी और ज्ञान योगी के द्वारा संख्यानम ये लोग करते रहते हैं। लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा निष्ठा दो किस्म का पूरा प्रोक्ता मयानुभ ज्ञान योगे न संख्यानम कर्म योगे न योगिनम ये दो रास्ता खुला हुआ है। नौ कर्मानम मनारंभात नैष्कर्मम पुरुषम अश्नुते कोई कर्म किए बिना नौ कर्मानम मनारंभात नैष्कर्मम पुरुषम अश्नुते नौ च संन्यासनाद एव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्मों का कोई चेष्टा नहीं किया ऐसा मतलब कोई पुरुष है पुरुष मतलब देवदारी जी मानव कर्मों का बिल्कुल कोई चेष्टा नहीं किया कर्म चेष्टा तो इसके लिए क्या है निष्कर्म भाव को प्राप्त करना संभव नहीं होगी। कर्मों का कोई चेष्टा ही नहीं किया ए लोग का लिए पुरुष ए लोग निष्कर्म भाव को प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा क्योंकि अंदर में कामना है अंदर में तो कामना भरपूर है बाहर में छोड़ दिया कर्म। कर्म त्याग करने से ही सिद्धि अगर हो जाता तो हम भी सब त्याग कर दे जनक महाराज भी सब त्याग कर दे जनक महाराज युधिष्ठिर सब लेकिन ये रास्ता नहीं है। रास्ता ये है कर्म का चेष्टा छोड़ दिया फिर भी निष्कर्म भाव को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि अंदर में कामना तो है ही है मन से तो कामना त्यागन मन से तो कामना को अभी भी त्यागने में असमर्थ है त्याग किया नहीं। और कर्म त्याग करने से ही जो सिद्धि मिलता है ऐसा कुछ नहीं। नौ कर्म नाम अनारंभात निष्कर्मम पुरुषम अश्नुते नौ च संन्यासनाद एव सिद्धिम समधि गच्छति। कर्म संन्यास कर दिया सब छोड़ दिया कर्म कर्म इसमें सिद्धि हो सिद्धि होना संभव नहीं। पहले हम बताया गीता का दूसरे जगह है गेहो हूं सी नित्य सन्यासी गेहो स नित्य सन्यासी जो न दृष्टि न कांक्षति जिसका अंदर में कोई कामना वासना नहीं है किसी का ऊपर विद्वेष भी नहीं किसी वस्तु व्यक्ति में वो नित्य सन्यासी ठाकुर जी घोषणा किए हैं गीता में। और देखो न ही कश्चित क्षणमपि यातु तिष्ठति अकर्मकृत कर्म छोड़ के कोई एक पल भर भी रह नहीं सकता कर्म करेगा ही न ही कश्चित क्षणमपि यातु तिष्ठति अकर्मकृत सब क्रियाकर्म छोड़ के कोई एक पल भर भी रह नहीं सकता न ही कश्चित क्षणमपि यातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यति ही अवसह कर्मो सर्व प्रकृति जोई गुणई क्योंकि प्रकृति आपको कर्म में लगाएगा प्रकृति छोड़ेगी नहीं। कभी भी कोई व्यक्ति क्षण भर पल भर के लिए भी कर्मों बिना किए बिना रह नहीं सकता क्यों प्रकृति का गुणों के द्वारा प्रकृति का प्रभाव के द्वारा प्रकृति का गुणों के द्वारा प्रकृति का प्रभाव के द्वारा अवश होके भी सकल कर्म करने में लग जाए अवश विवश होके हर व्यक्ति कर्म करने में लग जाएगा कंपल्सरी ये इसमें कोई छुटकारा है नहीं।
अर्जुन का क्या प्रश्न है, अर्जुन प्रश्न करते हैं ये आ भगवान, अर्जुन का प्रश्न का उत्तर में भगवान बोले मोक्ष लाभ करने का मार्ग दो है, एक ज्ञान मार्ग संन्यास मार्ग और दूसरा है कर्मयोग मार्ग। हम तुमको कर्मयोग मार्ग अवलंबन करने के लिए बोल रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं। इस योगो का बेसिक पॉइंट है साम्य बुद्धि, साम्यक ज्ञान, बैलेंस, कोई देश नहीं है, आकर्षण नहीं, कुछ नहीं है, साम्य बुद्धि को आश्रय करके साम्यक ज्ञान एवं वही ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। वही साम्यक जो ज्ञान है यही मोक्ष है, उसी ज्ञान में ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए साम्य बुद्धि श्रेष्ठता, इसीलिए बुद्धि को समान बनाओ, लाभ अलाभ जय पराजय इसमें कुछ चिंता मत करो। ये कारण क्या क्यों बोला कि नहीं, ये साम्य बुद्धि श्रेष्ठ है, इसमें प्रकृति का प्रभाव नहीं जमे, प्रकृति का प्रभाव नहीं जमेगी। अभी हम कह रहे हैं कि एक काम करो, तुम कर्म को उपदेश दे रहा हूं, कारण हर व्यक्ति प्रकृति का प्रभाव के द्वारा कर्म में वशीभूत है, करने में लग जाता है, प्रतिकूल प्रकृति का प्रभाव के द्वारा, गुणों के द्वारा कंपल्सरी, इट्स अ मस्ट, ओके, कर्म करने में लग जाता है, कोई छुटकारा नहीं है, विवश होके। अगर कर्म करना चाहिए तो ऐसे करो जिसमें कोई बंधन का कारण ना हो। ये जो टेक्निक है इसको ही कर्म जो बोला जाता है, ना ही कश्चित क्षणमपि यातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवसह कर्मो सर्व प्रकृति जोई गुण। इसका बाद अर्जुन को ठाकुर जी बताए, देखो जो बाहरी दृष्टि में कर्म करते नहीं है, रिटायर्ड किया है, लेकिन मानस में इंद्रिय सकल बेचैन है, पर चंचल है, तो उसमें क्या होगी? बोले ये तो बहुत खराब चीज है। कर्मेंद्रियानी संयमो, बाहर में बाहरी दृष्टि में तमाम कर्मेंद्रियों को बस में लाया, बाहरी दृष्टि में, अंतर में नहीं, अंतर्दृष्टि में नहीं। कर्मेंद्रियानी संयमो, तमाम कर्मेंद्रियों को संयम कर लिया, और लेकिन मन में चिंतन करते रहते हैं विषय के बारे में, आकर्षण तो है ही है। कर्मेंद्रियानि संयमो, जो आस्ते मनसा स्मरण, कर्मेंद्रिय सारे संयम दिखा दिया और मन ही मन विषय के बारे में रमन करना शुरू कर दिया। कर्मेंद्रियानि संयमो, संयम करने का बाद बाहरी दृष्टि में जो व्यक्ति आस्ते मनसा स्मरण, अंतर में विषय का चिंतन करते रहते हैं, इसका लिए क्या है? बोले इंद्रियार्थानो विमूढ़ात्ता मिथ्याचारो सौच्यते, ये चीटर है, ये धोखेबाज है। इंद्रियार्थानो विमूढ़ात्ता, बाहरी दृष्टि में दिखाया जाता है कि विषय को नहीं भोग रहा है, बड़ा ऊंचा बन गया। इंद्रियार्थानो विमूढ़ात्मा मिथ्याचारो सौच्यते, जो व्यक्ति भ्रांतमति हस्तपदादि कर्मेंद्रिय संयतो दिखाते हैं करके अवस्थान करते हैं, लेकिन फिल्म में, लेकिन अंदर में मन ही मन इनके जो इंद्रिय सब है विषय में रमन करते रहते हैं, विषय शरण करे, ऐसा अगर हो इसको मिथ्याचार, चीटिंग बाज, धोखेबाज बोला जाएगा। कर्मेंद्रियानि संयमो या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थानु विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौच्यते, इसका मिथ्याचार बोला जाता है, चीटिंग बाज, धोखेबाज। क्यों? जस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारवते अर्जुन,
कर्मेन्द्रियैर कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। किंतु अगर कोई आदमी मन के द्वारा ज्ञानेन्द्रिय सकल संयोग कर संयोग संयम कर लिया अनासक्त होके कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म स्वाभाविक कर्म करने में लग जाते हैं, दिखाते नहीं है कि हम बड़ा त्यागी बन गया कुछ बन गया, अपना मन के द्वारा ज्ञानेन्द्रिय सकल संयत करके संयम करके अनासक्त होके कर्म इंद्रियों के द्वारा अगर कर्म योग में लगे रहते हैं ये बढ़िया है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यो, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यो नियम्य आराभते अर्जुन, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आराभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैर कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। ये विशेष है, ये श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ है, ऐसा टेक्निक करके अगर कर्म करो, कौशल बना के कर्म करो तो इसमें कोई दोष नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ही अकर्मण शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मण। तुम नियत कर्म करो कंटिन्यूअसली, तुम्हारा कर्तव्य कर्म जो है विधि विधान जो है वर्ण और आश्रम के अनुसार तुम्हारा अधिकार भूत हो, तुम्हारा अधिकार के मुताबिक तुम कर्म करते चलो नियत। क्योंकि कर्म शून्य कर्म छोड़ देना अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म ना करने से ये संभव ही नहीं, बिना कर्म किए कोई जी नहीं सकता। यहां तक कि शरीर यात्रा खाना पीना सोना नहाना चलना कुछ भी संभव नहीं है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ही अकर्मणः, शरीर यात्रापि चौते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी, तुम अगर कर्म छोड़ दो कैसे चल सकोगे, खाना पीना उन्ना उठना चलना सब तो चलेगा। इसी में नियत कर्म क्या है, ये जो नियत कर्म नियतम कुरु कर्म, ये नियत कर्म क्या है, प्राचीन टीकाकारों ने महाभारत का नियत कर्मों का व्याख्या में लिखा है, या कुछ और माने हैं, फिर भी ये माने भी आ सकता है। नियतम कुरु कर्म, हे अर्जुन तुम्हारा वर्णाश्रम विहित तो जो कर्म तुम्हारा लिए जरूरी है, तुम्हारा अधिकार के अनुसार तुम कर्म करते चलो, इसमें कोई दोष नहीं होगी। क्योंकि कर्म शून्यता कर्मों को छोड़ देने से कर्म करना ही अच्छा है, लेकिन कर्म अच्छा कौशल के द्वारा करना चाहिए, इसमें बंधन नहीं होगी। क्योंकि तुम कर्म छोड़ने से तुम्हारा शरीर यात्रा भी चलेगी नहीं, शरीर यात्रापि चौते न प्रसिद्धेद अकर्मणः, कर्म छोड़ देने से कुछ नहीं होगी। सो नियत कर्म क्या है, इस विचार किया है। प्राचीन टीकाकारों ने नीलकंठ आदि महाभारत का आदि टीकाकार या नियत कर्मों का व्याख्या में लिखे हैं, संध्या उपासना आदि नित्य कर्म और श्राद्ध आदि नैमित्तिक कर्म, संध्योपासनादि नित्य कर्म और श्रद्धादि नैमित्तिक कर्म। संध्यापासन उपासना नित्य नित्य करना चाहिए रोज, और नित्य का माने क्या है, नित्य कर्म बोलने से ये भी माने होता है, नित्य मतलब कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप किया जाओ नित्य, उसमें छेद ना आ जाए। सो संध्यापन व्याख्याकारों ने टीकाकारों ने ऐसा भी लिखा है, प्राचीन टीकाकारों ने संध्या उपासना आदि नित्य कर्मों एवं श्राद्धादि नैमित्तिक कर्मों लिखा है।
शास्त्र विहित तो नित्य नैमित्तिक कर्म हिंदू हिंदुओं के लिए अवश्य कर्तव्य है, इस विषय आपत्ति नहीं। लेकिन इधर जो भगवान बताए इसमें ये नहीं बैठ, ये माने जो है, ये माने तो है ही है, ठीक है, फिर भी इसमें भगवान तुम्हारा जो युद्ध करना, युद्ध करने में तुम्हारा जो क्षत्रिय विहित हो, तुम्हारा अधिकार का अनुसार, वर्णाश्रम का अनुसार, अधिकार का अनुसार तुम्हारा जो कर्म है युद्ध कर्म, इसमें प्रेरणा दे रहे, यही सीधा बात है। क्योंकि कर्म नहीं करने से तुम्हारा शरीर यात्रा भी चलेगी नहीं, कैसे चले। किंतु संध्या उपासना श्राद्ध ये सब जो कर्म है ये तो है ही है, ये दो विषय में ये जो हमारा ये मीनिंग है इधर एक्चुअली ये बताया तुम्हारा, तुम कर युद्ध करने में, युद्ध करने के लिए ठाकुर जी उसको उत्साहित कर रहे, प्रेरणा दे रहे, जो भी है आज इतना तक समाप्त रहे। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार दि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेतो पुरुषम परम वांछा कल्पतरुष्य के पास इंद्र व्यवच पतितानं पावन भविष्णुभ्यो नमो।